भागलपुर नाम का बहुत ही कम लोगों का एक गांव था। वहां पर हर शुक्रवार को हफ्ते में एक बार बाजार लगता था, जहां आसपास के सभी गांव वाले सब्जियां, धान, महीने का राशन और तरह तरह की चीजें लेने आते थे। अरे ये क्या, बाकी दुकानों से इस ठेले पर यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? शायद कुछ खास है, चलकर देखता हूँ। अरे भाई जरा हटो तो। चाय, गरम चाय ले लो, चाय, गरमा गरम चाय, मलाईदार चाय, मिट्टी के बर्तन वाली चाय, चाय ले लो चाय। मंगतराम दिल ही दिल में सोचता है कि एक चाय के लिए इतनी भीड़। अरे भाई सुनो, एक चाय देना। चाहे दुख संकट आए, ये चाय पीते ही सब भूल जाए, मस्त तबीयत हो जाएगी, पी लो गर्मा गर्म चाय। वाह भाई मजा आ गया, क्या स्वाद है चाय में, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इस तरह अशोक पूरे हफ्ते भर की कमाई एक ही दिन में कमाता था, पर वह जरा सा लालची था। लालच उसको चैन से बैठने ही नहीं देता था। सब मेरे चाय के दीवाने हैं, सबको पसंद आती है चाय, पर इतने से क्या होगा, इससे मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा, कुछ तो करना होगा। आने वाले शुक्रवार से अशोक लालची होने के स्वभाव के कारण उसमें बहुत बदलाव आते हैं। मिट्टी के बर्तन की जगह प्लास्टिक के कप आते हैं, दूध की जगह दूध का पाउडर आता है, हरी पत्तियों की चाय की बजाय नकली चाय की पत्तियां आती हैं, और साथ साथ चाय की मात्रा भी अब कम होती जाती है और दाम बढ़ते जाते हैं। चाय ले लो चाय, गर्मा गर्म चाय। मौजूद लोगों में इस बार भी मंगतराम अशोक के ठेले पर चाय पीने आता है, पर इस बार उसे चाय का स्वाद कुछ अलग ही लगता है। और फिर दो तीन शुक्रवार बीतने के बाद, क्या बात है, ये चाय ऐसी क्यों लग रही है, शायद कुछ गड़बड़ है। मंगतराम अशोक का पीछा करता है। वहाँ अशोक का नौकर छोटू और अशोक की बातें मंगतराम सुनता है और दंग रह जाता है। सुनो छोटू, अभी आधा दिन हुआ है और आधा दिन बाकी है, बहुत कम कमाई हुई है अब तक और चाय बनानी पड़ेगी। मालिक आपके पाप में मुझे मत घसीटो, लोग आपका नाम सुनकर आते हैं, पर आप उनका ज्यादा फायदा उठा रहे हो, और अब तो दूध पाउडर थोड़ी ही बची है। तुम चुपचाप अपना काम करो, इसके ज्यादा पैसे दूंगा मैं, पाउडर कम है तो पानी ज्यादा डालो, पर चाय बेचो। अशोक के जाने के बाद मंगतराम छोटू को मिलता है और उसे इस संकट से बाहर निकालने के लिए एक योजना बनाता है। अगला शुक्रवार आता है, इस बार ठीक अशोक के सामने मंगतराम भी ठेला लगाता है। चाय ले लो चाय, एक पे एक चाय मुफ्त पाओ, खुद भी पियो औरों को भी पिलाओ। मिट्टी के बर्तन में चाय देखकर लोग मंगतराम की दुकान में भीड़ लगाने लगते हैं। वाह क्या बात है, वही स्वाद जो सामने है, पर यहाँ तो एक मुफ्त भी मिल रही है। यह देखकर अशोक आग बबूला हो जाता है, लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और जोरों से झगड़ा शुरू हो जाता है। कौन हो तुम, मैं यहाँ सालों से चाय का ठेला लगाता हूँ, तुम अपना ठेला हटाओ, और बिल्कुल मेरी चाय के जैसी चाय कैसे बनाई। मैं तो तुम्हारा पुराना ग्राहक हूँ, और इस ठेले की चाय भी तुम्हारे ही नौकर छोटू ने बनाई है तुम्हारी पोल खोलने के लिए। सुनो भाइयों, इसकी बेईमानी की कहानी। मेरा ये मालिक लालच में आकर मुझसे ज्यादा चाय बनवाता, उसमें कभी पानी डालने कहता, कभी दूध पाउडर की चाय बनाने बोलता, ज्यादा पैसे की बजाय कम चाय देने कहता, पर आज इन भाई साहब की वजह से मैंने सब सच बोल दिया। मौजूद लोग अशोक के नाम से चिढ़ने लगते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। लालच की कमाई कभी भी नहीं टिकती। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!